सो हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजन आपके अपने चैनल ऑल न्यू कबूतर टिप्स एंड ट्रिक में आपका स्वागत करता हूं। सो गाइज, एक और वीडियो के साथ आपके सामने हैं हम। सो गाइज, तो आज का जो क्वेश्चन है और जिन भाई ने करा रियली में, उन भाई को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि ऐसा क्वेश्चन भाई ने करा। रियली में ऐसे क्वेश्चन जो करते हैं भाई लोग, तो वीडियो बनाने में अलग ही हट के मज़ा आता है, क्योंकि क्वेश्चन इतना डिफेक्टिव है क्योंकि बताना बनता है, ठीक है। सो गाइज, तो भाई ने ये क्वेश्चन करा है और भाई का नाम है अथर्व मेहता, ऐसे कुछ करके है, ठीक है। भाई, अगला वीडियो बनाओ कि क्या कबूतर लकवे से ठीक होने के बाद उड़ सकता है। तो यार, रियली में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो गाइज, आज की वीडियो इसके ऊपर होने वाली है। तो भाई, वीडियो शुरू से एंड तक जरूर देखना। जो भी मेरा भाई इस चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, क्योंकि भाई लाल कलर का बटन होता है इधर साइड, ठीक है, दबा के जाना, कोई पैसे नहीं लगते, बिल्कुल फ्री है, ओके। और आपका भी कोई डाउट हो तो कमेंट्स कर देना, उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो गाइज, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, आप लोगों को पता है कि कबूतर सबके यहाँ बीमार होते हैं। ऐसा कोई बंदा है नहीं जो कि अमर होके आया हो जिसके यहाँ कबूतर बीमार ना हो। भगवान न करे कि किसी के यहाँ वैसे कबूतर बीमार हो, बट एक बात बता रहा हूँ कि ऐसी कोई, मतलब कोई छत नहीं होगी जिसके यहाँ लकवे की बीमारी ना आई हो, मेरे हिसाब से, ठीक है भाई। तो गाइज़, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो गाइज, जो ये क्वेश्चन है इस वीडियो में, आपका जो भाई का डाउट है, और आप लोगों को भी यही बताने वाला हूँ कि आप लोगों को ये जो डाउट होता होगा, छोटी छोटी डाउट है ना भाई, वो वीडियो में क्लियर करता रहता हूँ। तो ऐसी वीडियोस तो मैं बनाता ही रहता हूँ, आप लोग देखते ही हो, ठीक है। तो गाइज़, जो मेरा एक्सपीरियंस वो बता रहा हूँ कि मेरे यहाँ 2-3 बार कबूतर लकवे में आ चुके हैं, और ये लिए मैं कुछ ठीक हो गए उड़े भी, और कुछ ठीक हो गए नहीं भी उड़े, जो कि मेरे यहाँ रहे और चले भी गए, भगवान को भी प्यारे हो गए। इस बार मैंने ऐसा करा था कि सिर्फ एक कबूतर जो है वो मैं लाल मंदिर जो है वहाँ पर दे के आया था। अब मुझे नहीं पता उन्होंने क्या करा क्या नहीं, क्योंकि मैंने सुना है वहाँ पर ठीक कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर मंदिर है भाई। अब हमने भी सुना है, बट वहाँ पर बहुत कबूतर भी बिल्कुल ठीक ठाक आज़ाद है मंदिर पर। कभी मौका लगा तो उसके छत की, मतलब वहाँ की वीडियो सेपरेट एक बना के जरूर लाऊँगा, ठीक है भाई। तो गाइज, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ। तो भाई, मेरे यहाँ पर जो कबूतर लकवे से हैं वो ठीक होकर उड़े हैं, ठीक है। रही बात ये कि उड़ते हैं या नहीं उड़ते, तो भाई उड़ते हैं बिल्कुल मस्त और जेन्युइन, क्योंकि मेरे यहाँ सबसे पहला कबूतर उड़ा था, और जो कि मेरी सेकंड वीडियो है जो मैं 3 साल से यूट्यूब पर मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें मेरी सेकंड जो वीडियो है ना, उसमें वो कबूतर हैगा लकवे का इलाज, और वो वीडियो मेरी फर्स्ट है, फर्स्ट वीडियो जो मेरी वायरल हुई थी वीडियो, लकवे कबूतर का इलाज दिखाया था मैंने, और उसका सेकेंड पार्ट भी बाकायदा बनाया था, उसको ठीक करके और उसको उड़ा के भी दिखाया था। मतलब ज़्यादा नहीं उड़ा, बट वो फड़क के इधर से उधर बैठ गया और उड़ता था। और अब भी देख लो भाई, जो मेरे नॉर्मल कबूतर हैं ना, जो अभी मेरे कबूतर बीमार हुए थे, ओके, उनमें खांसी वाला कबूतर भी हो गया था, मैंने लकवा कबूतर था ललसिरा, बहुत ही प्यारा था, और भाई उसको ऐसा पकड़ा था मैंने 1 साल पहले, उसकी भी वीडियो बना रखी है मैंने छत पर, ठीक है। वीडियो तो भाई मेरी बहुत ज़्यादा है, अगर आप छानबीन करोगे, नीचे ऊपर देखोगे तो कहीं ना कहीं मिली जाएगी। वह ऐसा लकवा कबूतर था, ना ही उसके पर थे, ना ही उसके पूंछ था, और इतनी गंदी हालत में था वो। और गाइज, उसको भी मैंने उड़ाया, मतलब उसको भी सही करा और उड़ा। तो रही बात ये कि भाई, कबूतर उड़ता है नहीं उड़ता लकवे से ठीक होने के बाद, तो भाई 110% उड़ता है, ठीक है। और वो उड़ता इसीलिए क्योंकि आप लोगों ने मेहनत करी होगी, अगर आप लोगों ने उसका सोर्स लगाया है ठीक करने का, तो भाई 110% उड़ता है। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, बिक्की वाला कबूतर दिखाइयो, दुबाज, ये भाई दुबाज कबूतर देख सकते हो। ये पता है लकवे में आपको लगेगा नहीं, बट जब मैंने उसको पकड़ा था तब वो लकवे में था, मतलब वही है ना। और एक चीज़ पता है खासियत क्या होती है, अब हमारे साइड पर कर दो भाई कैमरा, भाई लकवे कबूतर की ये खासियत होती है, अदरवाइज़ अगर आपका कबूतर लकवे में है ना, तो कभी भी ना उसको नीचे मत रखो, उसको परंत करके देखो भाई, दिक्कत होगी, क्योंकि हमारे साथ भी हुई है, जो मैं फेस करा ना, जो मेरे साथ दिक्कत हुई है वो बता रहा हूँ आप लोगों को। भाई कबूतर उड़ता है, पर वो गिरेगा ज़रूर, आगे पीछे जो छत नीचे होगी या ऊँची होगी तो वहाँ पर गिरेगा ज़रूर, ट्राई करना पड़ेगा 8 बार 10 बार, जितनी बार गिरे उठा के लाओ, फुल सेफ्टी रखो। ऐसा नहीं आप पागल हो गए, एक दिन गिर गया, 2 दिन गिर गया, अबे कह रहे हो अबे यार ये क्या कर रहा है, तो रोज़ गिर जाता है, तो नहीं भाई, वो उड़ते उड़ते सीखेगा। और वो जितना उड़ेगा ना भाई, चाहे जितना मुझे पता है ना, कसम से कह रहा हूँ, बिल्कुल सही बता रहा हूँ, कि जितना कबूतर लकवा उड़ता है ना, उतना जल्दी वो सही होता है। चाहे मुझसे पूछ लेना या किसी भी यूट्यूबर भाई से पूछ लेना, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं ना, चाहे आपको मुझ पर विश्वास ना हो, यूट्यूबरों पर विश्वास ना हो, तो खलीफा या उस्तादों से पूछ लेना, वो भी बताएंगे कि जो लकवा कबूतर होता है उसको जितना उड़ाओगे वो उतना सही होता है, ठीक है। तो भाई ये कहीं ना कहीं तक सच्चाई है, तो भाई वो भी करके देखना, अदरवाइज आपके पास कोई लकवा कबूतर है तो भाई उसको नीचे मत रखें कैच कर, इस वजह से, क्योंकि भाई सबको लगता है कि यार मेरा कबूतर सही रहा, गिरे ना, ना मुझे उठाना पड़े, ठीक है। अरे मेरे यहाँ भाई कितने आए हैं भाई, रोज़ गिर जाते थे पीछे वाले छत पर, मतलब प्लॉट ही है भाई बगल में, इधर भी बिल्कुल प्लॉट है, मतलब खाली है, मेरा मंजिल, मतलब 3 मंजिल का मकान है हमारा, बीच में और बहुत ऊंचा है,
और पीछे वाले भी खा लिए। तो पीछे वाले तो आपको मतलब क्या ही बताऊँ, कितने ख़राब लोग हैं, गिर जाता है तो जाने भी नहीं देते अपने छत पर। हम जुगाड़ लगा लगा कर उसे उठा के लाते थे बाल्टी में, कभी छपके से तो कभी किसी से, मतलब सोच सकते हो कैसे कैसे जुगाड़ लगाते थे, पता है। तो भाई वही होता था। तो भाई अगर आपका अदरवाइज लकवा कबूतर गिर जाता है तो भाई उसे उठा के लाएँ, फिर छोड़े छत पर, फिर वो उड़ने की कोशिश करेगा, फिर गिरेगा, फिर वो उड़ने की कोशिश करेगा, फिर गिरेगा। जितनी बार उड़े जितनी बार गिरे भाई, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, लेकर आना। और एक ना एक दिन ना भाई वो कबूतर सक्सेस हो जाएगा और वो उड़ के दिखाएगा आप लोगों को रियली में, ठीक है। बहुत ही मतलब वही है ना, मतलब मेहनत करने वाली बात है भाई, आप कितना मेहनत कर रहे हो कितना नहीं, ठीक है। तो भाई हमारे यहाँ तो बहुत सारे कबूतर ठीक हुए और बहुत सारे कबूतर उड़ भी रहे हैं, आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाया। यहाँ पर दुबाज कबूतर है मेरा, वैसे अभी तक तो बस ये लास्ट बचा हुआ है दुबाजी, ठीक है। अबे हाँ, एक ये इसकी मादिन भी तो है, मैं भूल गया था, ये पकी हुई है, मतलब इसे कहते हैं भाई पका हुआ लकवा। इधर साइड कर दो भाई, भाई भाई इसको कहते हैं पका हुआ लकवा। पक्के कौन, ये क्यों जाता है मैं आपको बताता हूँ, ये उड़ते उड़ते ना पक जाता है, मतलब जो ये ऐसे ऐसे गर्दन, आपको पता है कि कबूतर ऐसे ऐसे गर्दन करता है, तो वही होता है जितना उड़ेगा ना तो वो गर्दन बिल्कुल टाइट करके ऐसे बिल्कुल तन के वो उड़ने की कोशिश करेगा, तो उड़ते उड़ते ना बिल्कुल मतलब ऐसे ही वो रह जाता है, ओके ऐसे ही रह जाता है, तो इसे कहते हैं पका हुआ लकवा। तो ये पक जाता है एक साइड, अब वो जितनी बार उड़ेगा ना तो ऐसे ही गर्दन करके उड़ेगा, या कभी देखना वो पानी पिएगा तो ऐसे ही पानी पिएगा, मतलब हल्का टेढ़ा करके, दाना भी उठाएगा तो हल्का टेढ़ा करके उठाएगा। मतलब भाई जो भी बता रहा हूँ ना आपको कहीं ना कहीं तक सच्चाई है बता रहा हूँ, आप लोग आजमा के देखना, ये सिर्फ आप चीज़ मतलब देखना अपने कबूतरों में ये सब करते हैं नहीं करते, ठीक है, क्योंकि हमने सब देखा है भाई, हमसे पूछो। तो भाई वही क्वेश्चन था ना भाई का, तो इसी वजह से मैं बता रहा था, बाकी भाई ने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा था। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि लकवा कबूतर कैसे उड़ता है कैसे नहीं। अगर आपको वीडियो देखनी है तो इसके ऊपर वीडियो बना रखी है मैंने, ठीक कैसे करें, दवाई के ऊपर बना रखी है, जो दवाई है वो भाई थोड़ा टाइम लेती है बट वो ठीक कर देती है, ठीक है। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, भाई का क्वेश्चन था कि कबूतर उड़ता है या नहीं उड़ता, तो भाई हमारे तो उड़ते हैं, आप लोगों की नहीं पता क्यों नहीं उड़ते और कैसे उड़ते हैं, क्योंकि यार हम अपनी जो फेस करते हैं हमने वो बताया आप लोगों को, बाकी वही है ना जो मेहनत करने वाली बात है, थोड़ा आप सब्र रखोगे एक महीना डेढ़ महीना जितना भी समय ले वो ठीक होने में या उड़ने में, आप वो सब्र रखो 100% उड़ेगा, ठीक है। ऐसा मत करना कि किसी के यहाँ दे आए या किसी के यहाँ छोड़ा या बच्चे को दे दिया पागल बना दिया, नहीं, ठीक है भाई। तो ऐसा मत करना कि किसी को दे आओ या किसी के यहाँ छोड़ा, नहीं भाई, आप अपनी मेहनत करो जितने दिन की लगे, एक महीना डेढ़ महीना जितना लगे भाई, रियली में 100% भाई आपका कबूतर उड़ेगा जरूर, ठीक है। उड़ता है भाई लकवा कबूतर, उड़ता है यार, कितने बड़े बड़े उस्तादों के उड़ते हुए देखे भाई हमने, तो वही वाली बात है भाई, किसका कब नसीब बदल जाए, आज वो लकवा हुआ है तो आज क्या पता कल को वो ठीक हो जाए, कल को वही आपको उड़ान अच्छी दे। तो भाई ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी वीडियो हो गई है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग वीडियो में समझ गए होंगे भाई, जितना कुछ बताया ना रियली भाई सब चीज़ बढ़िया और जेन्युइन बताया है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो मज़ा आया, को वीडियो मज़ा आया तो भाई चैनल को लाइक करना, ठीक है, वीडियो को मतलब, और चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाना। मिलते हैं।